गतिशील ट्रक के उसमें गिरने पर सभी की मृत्यु निश्चित थी। अपने ट्रक के बाबा जी द्वारा इस अलौकिक संचालन को समझ वासुदेव विभोर हो उनके चरणों में लौट गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। वृद्ध रामदास बाबा जी तथा हम कुछ अन्य भक्तगण गेठिया की एक दुकान में महाराज जी के साथ बैठे थे। बरसात के दिन थे, उस पर पहाड़ों की बारिश। रात्रि 12 बजे के करीब एक ट्रक हल्द्वानी की तरफ जाता गेठिया पहुंचा। बाबा जी को देखकर ड्राइवर भक्त वासुदेव ने उसे रोका और महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो गया। महाराज जी उसी ट्रक पर बैठ गए, हम सब भी पीछे चढ़ गए। तब महाराज जी ने वासुदेव के सिर पर अपना हाथ रखकर आदेश दिया, चलो। कृष्ण भक्त वासुदेव उस हाथ का स्पर्श पाकर मदहोश हो चला और उसने अपने अनजाने ही ट्रक को उस पहाड़ी ढालदार मार्ग में पूरी गति से छोड़ दिया, मानो कार चला रहा हो। पीछे बैठे रामदास बाबा जी ने जब यह स्थिति देखी तो भय से सबको राय दी कि त्रिपाल ओढ़ लो, गाड़ी उल्टेगी तो शायद त्रिपाल के कारण रक्षा हो जाए। परंतु ट्रक निर्बाध पूरी गति से पहाड़ी सड़कों की मोड़दार ढालों में चलता ही रहा। भारी वर्षा के मध्य वासुदेव तो बुध हो चला था। तब रानी बाग के करीब यह गतिशील ट्रक एकाएक रुक गया। सभी को झटका लगा। महाराज जी ट्रक से उतर पड़े और हम सब भी उतर गए। ड्राइवर तब होश में आ गया और नीचे उतर कर जाँच करने लगा कि ट्रक इस तरह क्यों कैसे रुक गया। पर जब कुछ समझ में नहीं आया उसके तो वह प्रश्न लिए महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने कहा, जाओ आगे देखो। आगे जाकर वासुदेव ने देखा कि 15-20 गज आगे मोड़ पर सड़क का अधिकांश भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक खाई के रूप में परिवर्तित हो गया था। गतिशील ट्रक के उसमें गिरने पर सभी की मृत्यु निश्चित थी। अपने ट्रक के बाबा जी द्वारा इस अलौकिक संचालन को समझ वासुदेव विभोर हो उनके चरणों में लौट गया। एक बार फिर अगस्त 1967 में श्री माँ महाराज जी के साथ श्री माँ माया तथा कुछ अन्य भक्त अमरनाथ यात्रा पर थे। जम्बू से आगे पहुंच चुका था काफिला। आगे एक छोटे कस्बे में मोटर मैकेनिक की दुकान देखकर ड्राइवर ने मोटर में उभरी मामूली खराबी ठीक करवाने के लिए आज्ञा चाही। कार हो रहा था और सब लोग सड़क के किनारे बाबा जी को घेर कर बैठ गए। काफ़ी समय बीत गया। बाबा जी बोले, क्या कर रहा है ड्राइवर? तभी उसने सूचना दी कि मोटर में मरम्मत के समय और भी अधिक खराबी आ गई है, गियर जाम हो चुका है, मैकेनिक के बस के बाहर की बात हो गई है। बाबा जी बोले, मोटर को ट्रक में बांध ले चलो। पर कोई ट्रक नहीं मिल पाया। उधर आता हुआ फिर रस्सा भी खरीद लिया गया। ट्रक के मिल जाने पर मोटर को उसके साथ बांधने हेतु, और जब एक ट्रक मिला भी तो वह भी भाग लिया। आरटीओ के आगे मिल जाने की संभावना से अंधकार बढ़ता जा रहा था। तब गुरुदत्त शर्मा जी ने
महाराज जी से मोटर में बैठने का आग्रह इस दलील से किया कि उनके बैठने पर मोटर स्वतः चल पड़ेगी। पहले तो महाराज जी गहरी रात और अनदेखे पहाड़ी मार्ग का बहाना बनाते रहे, पर जब रात्रि में माइयों के साथ ठहरने की व्यवस्था आदि न होने की दलील पेश की गई तो अपनी प्रसन्नता दर्शाते हुए महाराज जी भी बैठ गए काफले के साथ मोटर में। और बाबा जी का मोटर में बैठना था कि वह चल पड़ी, मानो इसी का इंतजार था। उसे गाड़ी श्रीनगर तक निर्वाघ चलती रही, न गियर का प्रयोग हुआ और न टंकी में भरे पेट्रोल का ही। श्रीनगर में इंजन का ओवरहॉलिंग कराना पड़ा। यह थी महाराज जी की अलौकिक लीला। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।